नमस्कार, स्वागत है आपका समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में। मैं हूं नविक्रम सिंह। बेलगाम बढ़ती जनसंख्या, वाहनों की बेतहाशा बढ़ोतरी, सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ता ग्राफ, इन सब ने मिलकर बड़े शहरों में यातायात के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। आज भी यातायात के परंपरागत साधनों में मिनटों के सफर में घंटों लग जाते हैं। मुसाफिरों की परेशानियां ज्यों की त्यों, लेकिन इन सब के बीच मेट्रो रेल ने यातायात के साधनों की एक नई परिभाषा गढ़ी है। मेट्रो ने न केवल यात्रा को आरामदायक बनाया है, बल्कि इसे सरल, सुगम और तेजी से गंतव्य तक पहुंचाने का भरोसा भी यात्रियों में पैदा किया है। भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत साल 1984 में हुई, जब पहली बार कोलकाता में मेट्रो ट्रेन दौड़ी। इसके बाद जब दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 में हुई, तो दिनों दिन इसका दायरा बढ़ता चला गया। दिल्ली में आज मेट्रो रेल परिवहन का सबसे बड़ा जरिया है, और यही वजह है कि आज मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी है। दिल्ली मेट्रो के बाद देश भर में शुरुआत हुई मेट्रो की, और फिलहाल दिल्ली एनसीआर समेत देश के 10 शहरों में 536 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क पर मेट्रो का परिचालन हो रहा है। इसके अलावा देश के अलग अलग शहरों में 13 नई मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। दिल्लीवासियों को नई साल के मौके पर भी डीएमआरसी की ओर से तोहफा मिला है। पिंक लाइन के तहत लाजपत नगर से मयूर विहार पॉकेट एक के बीच मेट्रो सेवा की शुरुआत हो गई है। आज के विशेष में दिल्ली मेट्रो के बढ़ते कदम पर बात करेंगे, साथ ही भारत के अन्य शहरों में मेट्रो के बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा जानेंगे कि दिल्ली में कब शुरू हुई मेट्रो और दुनिया के दूसरे देशों में क्या है मेट्रो की स्थिति। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। दिल्ली मेट्रो के लिए यादगार रहा, और ऐतिहासिक इस साल में आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को दिल्ली मेट्रो के फेज 3 के तहत मयूर विहार पॉकेट 1 से लाजपत नगर सेक्शन में मेट्रो की शुरुआत हुई। इसके साथ ही 2018 में दिल्ली मेट्रो ने 96 किलोमीटर नई लाइनें शुरू की हैं, जो अपने आप में एक सारे रिकॉर्ड को तोड़ता है। इस सेक्शन के खुल जाने से दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 327 किलोमीटर लंबा हो गया और मेट्रो स्टेशनों की संख्या 236 हो गई। 2012 से अब तक दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली, जयपुर, कोची में 200 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लाइनों का निर्माण किया है। यानी डीएमआरसी ने हर साल 30 किलोमीटर नेटवर्क का विस्तार किया, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। दिल्ली में मेट्रो के नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसी क्रम में 31 दिसंबर को दिल्ली वासियों को डीएमआरसी की ओर से नए साल का तोहफा मिला। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मेट्रो की पिंक लाइन के एक हिस्से की शुरुआत की। इसके साथ ही पिंक लाइन के लाजपत नगर से मयूर विहार पॉकेट 1 सेक्शन में मेट्रो का परिचालन शुरू हो गया। इस रूट के खुलने से पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के बीच लोगों का आवागमन काफी आसान हो गया। अब मयूर विहार और उसके आसपास के इलाकों से दक्षिण दिल्ली आने जाने वाले लोगों को मेट्रो चेंज नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि लोग सीधे दक्षिण दिल्ली आ जा सकेंगे। दिस इज सेट अ रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स। 96 किलोमीटर ऑफ रेल लाइंस हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड दिस ईयर। नाउ बोथ रिंग रोड एंड द आउटर रिंग रोड आर कनेक्टेड बाय मेट्रो, व्हिच इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव अ मेजर positive and beneficial impact insofar as traffic decongestion is concerned. Delhi Metro today has 327 kilometers with 236 stations. This is a major achievement for the capital's metro and it is now one of the biggest in the world. Mayur Vihar Pocket 1 se Lajpat Nagar ka section Pink Line ka hissa hai. Phase 3 ke tahat bani Pink Line Delhi Metro ki sabse lambi line hai. मयूर विहार पॉकेट 1 से लाजपत नगर के सेक्शन की शुरुआत के साथ ही दिल्ली शहर के भीतर मेट्रो के तीसरे चरण के तहत सभी प्रमुख कॉरिडोर अब शुरू हो गए हैं। डीएमआरसी ने तीसरे चरण के तहत मजलिस पार्क से शिव विहार के बीच 59 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनाई है, जिसे पिंक कलर कोड दिया गया है। दिस पर्टिकुलर सेक्शन आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम, बट वाज विद मेनी चैलेंजेस। The Ashram station, you must have read in newspapers, was one of the biggest challenge.
then Nizamuddin station, and there are many more technical issues like doing underground construction adjacent to the Yamuna area pose serious problem, and the tunneling between Ashram and Saraikale Khan was really very, very difficult, and particularly construction of cross passage. So for the first time anywhere in the world, we used very innovative idea of sort of box pushing for construction of the cross passages. पिंक लाइन के लाजपत नगर से मयूर विहार पॉकेट वन सेक्शन की लंबाई 9.7 किलोमीटर है। इस सेक्शन में 5 स्टेशन हैं, जिनमें 3 स्टेशन भूमिगत और 2 एलिवेटेड हैं। इस सेक्शन में विनोबापुरी, आश्रम और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन अंडरग्राउंड हैं, जबकि मयूर विहार फेज 1 और मयूर विहार पॉकेट 1 एलिवेटेड स्टेशन है। मयूर विहार फेज 1 और लाजपत नगर पर लोग पिंक लाइन से ब्लू लाइन और वायलेट लाइन पर इंटरचेंज भी कर सकेंगे। इस सेक्शन के खुलने से अब हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और सरायकाले खां बस अड्डा भी मेट्रो से सीधे जुड़ गए हैं। हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लोग इन दोनों जगहों पर आ जा सकेंगे। मजलिस पार्क और मयूर विहार पॉकेट 1 के बीच 5 मिनट 12 सेकंड की पीक आवर फ्रीक्वेंसी पर ट्रेनें चलेंगी। पीक आवर नहीं रहने पर हर 5 मिनट 45 सेकंड पर एक ट्रेन आएगी। लोगों को इस रूट पर आसानी से मेट्रो मिल सके, इसके लिए पिंक लाइन पर 29 ट्रेनें चलाई जाएंगी। 70% अनऑथराइज इरेगुलर कॉलोनी स्लम्स हैं, उन सब के बीच में हमको दिल्ली में मेट्रो शुरू करना, चलाना, उसको एस्टेब्लिश करना, बहुत प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक मेट्रो की लाइन बिछाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन शास्त्री भवन के नीचे से मेट्रो निकालने से लेके करोलबाग के मेट्रो, पहाड़गंज के बाजारों से जिस तरह से मेट्रो निकाली गई है और जहाँ जगह नहीं थी ऊपर एलिवेट करके निकाल दी गई है, वास्तव में सिविल इंजीनियर्स को सलाम करने का दिन है ये। दिल्ली मेट्रो के तीसरे चरण के तहत मजलिस पार्क, शिव विहार, पिंक लाइन पर हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन मेट्रो नेटवर्क के प्रमुख ट्रांजिट हबों में से एक है। ये स्टेशन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और सरायकाले खां अंतर राज्य बस टर्मिनल के साथ सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस स्टेशन पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और सरायकाले खां बस अड्डे को जोड़ने के लिए अलग से प्रवेश और निकास द्वार है। एक प्रवेश और निकास द्वार सरायकाले खां बस अड्डे से 50 मीटर की दूरी पर होगा। दूसरा प्रवेश और निकास द्वार लगभग 150 मीटर की दूरी पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के निकट होगा। ये स्टेशन कनेक्टिविटी के नजरिए से एक बड़ा वरदान साबित होगा, क्योंकि हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और सरायकाले खां बस अड्डे के लिए इससे पहले कोई मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं थी। हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली और दिल्ली के बाद राष्ट्रीय राजधानी का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे टर्मिनल है। राजधानी और सुपरफास्ट रेलगाड़ियों समेत दक्षिण भारत की ओर जाने वाली अधिकतर रेलगाड़ियां यहीं से खुलती हैं। सरायकाले खां ISBT, कश्मीरी गेट और आनंद विहार के साथ साथ दिल्ली के 3 प्रमुख बस टर्मिनल में से एक है। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों के लिए बसें यहां से खुलती हैं। लाजपत नगर से मयूर विहार पॉकेट 1 सेक्शन के खुलने के साथ ही मेट्रो के तीसरे चरण में 136.7 किलोमीटर लंबा नेटवर्क ऑपरेशनल हो गया है। इसके बावजूद तीसरे चरण का करीब 51 किलोमीटर हिस्सा अभी और खुलना बाकी रह गया है। इनमें मेट्रो नेटवर्क के 5 सेक्शन शामिल हैं, जो अब 2019 में ही खुलेंगे। इनमें 1.5 किलोमीटर का मयूर विहार पॉकेट 1 से त्रिलोकपुरी संजय झील का सेक्शन और दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा के बीच का 9.6 किलोमीटर का सेक्शन शामिल है। नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बीच का 6.67 किलोमीटर का सेक्शन भी इसी का हिस्सा है। द्वारका से नजफगढ़ के बीच का 4.23 किलोमीटर का रूट और नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच का 29.70 किलोमीटर का रूट भी इसी का हिस्सा है। फिलहाल दिल्ली सरकार ने मेट्रो के चौथे चरण के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस फेज में 103 किलोमीटर के दायरे में 69 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में 6 लाइनें होंगी। इनमें रिठाला से नरेला, जनकपुरी वेस्ट से आरकेपुरम, मुकुंदपुर से मौजपुर, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ, एरोसिटी से तुगलकाबाद और लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक शामिल है। फिलहाल फेज 4 के काम को शुरू होने में वक्त लगेगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि मेट्रो के इस चौथे फेज से दिल्ली में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। राजधानी दिल्ली की जनता पूरी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करती है, जिसमें सबसे बड़ी भागीदारी अब दिल्ली मेट्रो की हो गई है।
पूरे देश के मुकाबले दिल्ली के पास मेट्रो का सबसे बड़ा नेटवर्क है। दिल्ली मेट्रो की भी कोशिश है कि आम जनता को मेट्रो लाइन से जोड़ उनकी मंजिल को आसान बनाया जाए। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। मेट्रो के बगैर राजधानी दिल्ली की अब कल्पना भी नहीं की जा सकती। दिन ब दिन मेट्रो का विस्तार हो रहा है। जिन इलाकों में पहले पहुंचना मुश्किल लगता था वो अब चंद मिनटों की दूरी पर सिमट गए हैं। मेट्रो ने न सिर्फ लोगों के आने जाने में सहूलियत दी है बल्कि सड़कों से प्रदूषण का स्तर भी इसके चलते काफी कम हुआ है। सड़कों पर फंसी गाड़ियों की ये तस्वीर दिल्ली के लिए बेहद आम है। इससे निजात पाने के लिए सड़कें चौड़ी की गईं, फ्लाईओवर्स का लगातार विस्तार हुआ लेकिन जाम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर दिल्ली में मेट्रो न चली होती तो आलम क्या होता। 16 साल पहले जब शाहदरा से 30,000 के बीच मेट्रो दौड़ी थी तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि डेढ़ दशक के भीतर दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछ जाएगा। लेकिन आज बगैर मेट्रो के दिल्ली की कल्पना करना भी मुश्किल है। में जब मेट्रो स्टार्ट हुई थी तो फ्यू लाइंस थी, अब जब से पिंक लाइन आई है तो हमें पता चला है कि उसमें लाइक ये जो वेरियस लाइंस हैं वो सब कनेक्टेड हुई हैं। सो पिंक लाइन आने के बाद ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया है लोगों के लिए एक प्लेस दूसरे प्लेस जाना। अब जैसे हम पहले देखते थे जब मेट्रोज की इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी तो वी हैड टू टेक सम कैब्स एंड ऑल ना एंड ऑटोज। अब लाइक जो मैं देख पा रहा हूँ कि अब कैब्स वगैरह कम हो गई है लाइक इन जो रीजन में मैं रहता हूँ इन पिंक लाइन की वजह से। अब जैसे ये लाइन भी आज स्टार्ट हुई है बहुत अच्छा है, मैं भी एक प्लेस दूसरे प्लेस जा पा रहा हूँ आसानी से, तो इट्स वेरी गुड। मतलब ऐसा होना चाहिए, ट्रैवल करना ईजी हो गया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली में जाना बहुत ईजी हो गया है, कहीं भी जा सकते हैं किसी भी टाइम जा सकते हैं, कन्वीनियंस बहुत बढ़िया हो गया। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है टाइम की, कोई किसी भी टाइम जा सकते हैं, बहुत बढ़िया है। लाखों लोग दिल्ली मेट्रो का रोजाना इस्तेमाल करते हैं। 15 साल पहले जब मेट्रो की यहाँ शुरुआत हुई थी तो रोजाना करीब 80,000 यात्री इसमें सफर किया करते थे। 2004-5 में ये संख्या बढ़कर 1,24,000 हो गई, 2006-7 में 4,84,000, 2008-9 में 7,22,000, 2010-11 में 12,59,000, 2012-13 में 16,60,000, 2014-15 में 23,86,000, जबकि 2016-17 में लगभग 27,60,000 लोगों ने और साल 2018 में अगस्त महीने तक करीब 28,00,000 लोगों ने मेट्रो से रोज सफर किया। मेट्रो दिल्ली की लाइफ लाइन बन चुकी है। इसकी कई वजहें हैं, कम समय अंतराल में मेट्रो की उपलब्धता, एसी कोच होने के चलते सुकून और तेज गति के कारण गंतव्य तक जल्दी पहुंचने का भरोसा लोगों को मेट्रो तक खींच लाता है। लेकिन रोजाना सफर करने वालों के लिए आज भी कई मुश्किलें हैं। समय के साथ साथ मेट्रो का लगातार विस्तार हो रहा है। आज राजधानी दिल्ली के अलावा एनसीआर के कई शहरों में अब मेट्रो पहुंचने लगी है। हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद में मेट्रो पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के नोएडा और वैशाली में पहले से ही मेट्रो चल रही है। अब मेट्रो हरियाणा के बहादुरगढ़ और वल्लभगढ़ से भी दौड़ने लगी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड अभी दिल्ली एनसीआर में इसके नेटवर्क को और विस्तार देना चाहता है। फिलहाल दिल्ली मेट्रो में 327 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क है जिसमें अलग अलग 8 लाइंस के 236 स्टेशन हैं। 4, 6 और 8 कोच के करीब 300 से ज्यादा ट्रेन रोजाना 3,000 से ज्यादा फेरे लगाती है, जिसमें 100 से ज्यादा ट्रेनें 6 कोच की और 60 से ज्यादा ट्रेनें 8 कोच की है। फिलहाल रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, वॉयलेट लाइन, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, मेजेंटा लाइन और पिंक लाइन पर मेट्रो दौड़ रही है। इट इज गुड यहाँ पे बेसिकली, और अराउंड 15 मिनट का जो स्टॉप है तो बाकी जितने भी डेस्टिनेशन है उससे ज़्यादा ये कनेक्टिंग है। सो फॉर दैट ये दिस इज़ अ गुड ऑप्शन बाय द गवर्नमेंट। इस लाइन से कनेक्टिविटी बहुत इजीली हो गई है। पहले हमें मैक्सिमम अराउंड 45 मिनट्स के लिए ट्रेवल करना पड़ता था अगर हमें साउथ दिल्ली आना है, बट अगर हम ये इस मेट्रो लाइन से देखा जाए तो अराउंड न्यू विहार से हम यहाँ ट्रेवल करने में हमारा बहुत हाफ टाइम हमारा कहते कंज्यूम रिज्यूम हो जाता है, तो हम यहाँ ईजी ट्रेवल कर सकते हैं। मेट्रो ने न सिर्फ लोगों की सहूलियतें बढ़ाई हैं बल्कि इसके चलते प्रदूषण पर भी लगाम कसने में कामयाबी हासिल हुई है। एक सीएनजी टैक्सी से 72 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति यात्री प्रति किलोमीटर उत्सर्जित होता है। पेट्रोल कार में यही आंकड़ा 67 ग्राम, ऑटो रिक्शा में 35 ग्राम,
पेट्रोल मोटरसाइकिल में 28 ग्राम है, जबकि दिल्ली मेट्रो में यह आंकड़ा महज 20 ग्राम है। जाहिर है मेट्रो ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने में बड़ी भूमिका अदा की है। हालांकि हाल के समय में दिल्ली मेट्रो के किराए में जिस तरह की बढ़ोतरी की गई, उससे यात्रियों में काफी नाराजगी भी देखी गई। किराया बढ़ोतरी के शुरुआती दिनों में रोजाना कई हजार यात्रियों की संख्या कम हो गई। हालांकि दिल्ली मेट्रो का दावा है कि धीरे धीरे यात्रियों की संख्या न केवल अब फिर से सामान्य हो रही है, बल्कि लगातार बढ़ भी रही है। अनु दीवान और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शहरों का तेजी से विस्तार और केंद्र और राज्य सरकारों के सामने इसने काफी चुनौतियां पैदा कर दी हैं। सरकारी अनुमान के मुताबिक 2031 तक भारत में शहरी आबादी करीब 60% हो सकती है। इतनी बड़ी आबादी के सामने यातायात एक बड़ी चुनौती होगा। यही वजह है कि देश में मेट्रो परिवहन पर निर्भरता बढ़ी है और देश के कई शहरों में मेट्रो चलाने की तैयारियां हो रही हैं। देखते हैं देश में कहां कहां मेट्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। शहर तेजी से फैल रहे हैं और इसके साथ ही लोगों की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में लोगों को सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है। हाल के दिनों तक बसें और लोकल ट्रेन लोगों की परिवहन जरूरतों का भार ढोती रही हैं। देश के कई बड़े शहरों में आज भी सार्वजनिक परिवहन परंपरागत साधन चलन में है, लेकिन पर्यावरण हो या यातायात सुगमता, परंपरागत परिवहन कई मामलों में लोगों की जरूरतें पूरा करने की बजाय कई नुकसान बढ़ाने वाला साबित हुआ है। ऐसे में शहरी परिवहन के लिए बीते कुछ वर्षों में मेट्रो सबसे बड़ी पसंद बनकर उभरी है। इस वक्त देश के कई शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। साल 2017 में 28 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को मेट्रो की सौगात दी। हैदराबाद मेट्रो परियोजना 14,132 करोड़ रुपए की योजना है। इसके तहत 72 किलोमीटर को कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन किया। पहले चरण में मियापुर से कोकटपल्ली तक का सफर शामिल है। पहले चरण में 30 किलोमीटर का सफर शामिल है। हैदराबाद के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2017 में कोची मेट्रो की एक लाइन का उद्घाटन किया। कोची मेट्रो 3 चरणों में पूरा होना प्रस्तावित है। पहले चरण की 25 में से 16 स्टेशन इस वक्त संचालित हैं। ये 5,181.79 करोड़ की परियोजना है, जबकि दूसरे और तीसरे फेज में 11-11 स्टेशन प्रस्तावित हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी मेट्रो की सौगात मिल चुकी है। सितंबर 2017 में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रांसपोर्ट नगर से चाबहार स्टेशन के बीच मेट्रो को हरी झंडी दी। लखनऊ मेट्रो में 2 लाइनों का काम प्रस्तावित है। पहली लाइन यानी रेड लाइन के तहत प्रस्तावित 22 स्टेशनों में से 8 स्टेशनों के बीच मेट्रो चल रही है, जबकि दूसरी यानी ब्लू लाइन के तहत 11 स्टेशनों की योजना है। पहले फेज की लागत 6,928 करोड़ रुपए है। चेन्नई में भी वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तहत मेट्रो संचालित है। यहाँ भी 2 लाइनों में मेट्रो संचालित है। फेज 1 के तहत कुल 42 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिसमें 20 स्टेशन संचालित हैं। इनमें से 13 एलिवेटर और 7 अंडरग्राउंड हैं। मुंबई में भी रैपिड ट्रांजिट के तहत मेट्रो संचालित है। इनमें से 1 लाइन संचालित है, 3 लाइनों में काम चल रहा है और 3 को मंजूरी मिल चुकी है। मुंबई मेट्रो के तहत इस वक्त अधेरी से घाटकोपर के बीच 12 स्टेशन संचालित हैं, जबकि 58 स्टेशनों पर फिलहाल काम चल रहा है। मुंबई मेट्रो में रोजाना करीब 3,60,000 लोग सफर करते हैं। जून 2015 से 2023 करोड़ रुपए की लागत वाली जयपुर मेट्रो ने भी काम करना शुरू कर दिया। जयपुर मेट्रो 4.5 साल में बनकर पूरी हुई है। जयपुर में पहली बार ट्रैफिक की त्रिस्तरीय व्यवस्था रहेगी, जो दुनिया में कहीं नहीं है। जयपुर में मेट्रो के पहले फेज में 9 स्टेशन जोड़े गए हैं। ये शहर के मानसरोवर से चांदपोल तक हैं। इसके अलावा 22 और स्टेशनों को जोड़ने की योजना है। इसके अलावा नम्मा मेट्रो के नाम से मशहूर बेंगलुरु मेट्रो अक्टूबर 2011 से संचालित है। लेकिन इन सब शहरों के अलावा 33 साल पहले जब कोलकाता की पटरी पर पहली मेट्रो दौड़ी थी, तो समूचे देश के लिए वो रोमांचक घटना थी। 24 अक्टूबर 1984 को 28 किलोमीटर तक कोलकाता में देश की पहली मेट्रो चली। इन सब के अलावा फिलहाल देश में कई जगह मेट्रो पर काम चल रहा है। इनमें इंदौर, भोपाल, कानपुर, आगरा, मेरठ,
पुणे, नागपुर, अहमदाबाद, विजयवाड़ा, कोझीकोड, कोयम्बटूर, पटना, गुवाहाटी, वाराणसी और विशाखापट्टनम जैसे शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। मेट्रो के शुरू होने के बाद इन शहरों में रहने वाली आबादी के बड़े हिस्से को यातायात में काफी सहूलियत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मेट्रो सेवा मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का हिस्सा है। इसके जरिए एक साथ कई लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की सुविधा होती है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में मेट्रो रेल सेवा मौजूद है। यातायात का आधुनिक साधन माने जाने वाली मेट्रो का इतिहास काफ़ी पुराना है। 1863 में जब लंदन में दुनिया की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो रेल चली तो इसने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। आइए देखते हैं कि किन किन देशों में मेट्रो लोगों के लिए लाइफ लाइन बन चुकी है। दुनिया में सबसे पहले लंदन के लोगों को मेट्रो का तोहफा मिला। लंदन की तेज रफ्तार और भीड़भाड़ वाली जिंदगी में मेट्रो सेवा के आने से बड़ी क्रांति आई। 10 जनवरी 1863 को लंदन में मेट्रो सेवा को आम लोगों के इस्तेमाल के लिए खोला गया। ट्यूब के नाम से मशहूर लंदन की अंडरग्राउंड रेल सेवा दर्जन भर से ज्यादा रूट और 270 स्टेशनों के बीच चलती है। इसके बाद 1896 को बुडापेस्ट ने पहले अंडरग्राउंड मेट्रो सेवा की शुरुआत की, जबकि पेरिस में सन 1900 में लोगों को मेट्रो से सफर करने का मौका मिला। 1904 में मेट्रो का सफर अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचा। 1927 को मेट्रो सेवा एशिया का रुख कर चुकी थी। जापान की राजधानी टोक्यो में 1927 को मेट्रो सफर का आगाज हुआ। 1969 में चीन के लोगों को भी मेट्रो की सौगात मिल गई, जबकि 1987 में मिस्र की राजधानी काहिरा में मेट्रो पहुंचने के साथ ही अफ्रीका में मेट्रो की शुरुआत हो गई। दुनिया में इस वक्त 55 देशों में मेट्रो रेल सेवाएं मौजूद हैं। इसका कुल वैश्विक नेटवर्क 13,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इन 55 देशों के 160 से ज्यादा शहरों में मेट्रो ट्रेनें दौड़ती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क चीन के शंघाई शहर में है, जिसकी कुल लंबाई 650 किलोमीटर से ज्यादा है। यहाँ 413 मेट्रो स्टेशन है। ये ना सिर्फ तकनीक में आगे हैं, बल्कि दुनिया की कुछ सबसे तेज मेट्रो ट्रेनों में भी गिनी जाती हैं। चीन के बेजिंग की मेट्रो सेवा दुनिया में सबसे ज्यादा मुसाफिरों को उनकी मंजिल पर पहुंचाती है। बेजिंग मेट्रो में रोजाना 92 लाख से ज्यादा मुसाफिर सफर करते हैं। इसके अलावा अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी सबवे दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो रेल सेवा में से एक है। न्यूयॉर्क में मेट्रो दुनिया के किसी भी और शहर से ज्यादा स्टेशनों पर रुकती है। न्यूयॉर्क की सबवे सेवा 421 स्टेशनों पर रुककर यात्रियों के सफर को आसान बना रही है। आज दुनिया के कई बड़े शहरों में रोजमर्रा का सफर आम आदमी के लिए आसान हो गया है। लंदन अंडरग्राउंड के अलग अलग रूटों को अलग अलग रंग देकर मैप में तब्दील करने का काम 1933 में किया गया। अब दुनिया भर की मेट्रो रेल सेवाएं इसी तर्ज पर अपने मैप तैयार करती हैं। मेट्रो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए सफर करने का सस्ता और आसान तरीका है। हर देश में रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों की तादाद धीरे धीरे बढ़कर करोड़ों में पहुंच रही है, और हर देश यात्रियों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए मेट्रो के जाल को और मजबूत बनाने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज विशेष में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम राज्यसभा टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। विशेष के सभी दर्शकों को नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।